press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi everyone, my name is Alok and welcome to Amplify Learning. So, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं 2D array के ऊपर बेस्ड एक और जावा प्रोग्राम. सो इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने 2D array के ऊपर दो वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप चाहे तो पहले जाकर उनको देख सकते हो. एंड अगर आपको 2D array के बारे में जानकारी है, मतलब आप जानते हो 2D arrays क्या होते हैं, तब आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो. सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो. तो चलो बिना टाइम गवाए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो अभी हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जो कि आपके सामने यहाँ पे है. सो क्वेश्चन इज डिज़ाइन अ क्लास मैट्रिव टू रिवर्स ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. मीन्स यहाँ पे सिंपल है, आपको एक मैट्रिक्स या फिर 2D array यूज़र से इनपुट कराना है. जैसे कि आप देख सकते हो एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 72, 371, 5, 12, 6, 426, 5, 123 एंड 94. ये सारे वैल्यूज़ हमने एक 2D array के अंदर इनपुट करा लिए हैं. इसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो आपके मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको एक एक करके आपको रिवर्स करना है, एंड एक दूसरे 2D array के अंदर उनको रिवर्स कर करके सेव कराते जाना है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको एक एक एलिमेंट को लेना पड़ेगा एंड उसको रिवर्स करके दूसरे एरे के अंदर सेव करना पड़ेगा. तो आपको ये करना है एंड वो रिवर्स वाला एरे देन लास्ट में आपको प्रिंट कर देना है. तो अब प्रोग्राम तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पे आपको ये डायरेक्टली नहीं करना है, मतलब आपको सारा काम मेन फंक्शन में नहीं करना है, बिकॉज ये डिस्क्रिप्शन वाला प्रोग्राम है. मीन्स यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया है कि आपको यहाँ पे फंक्शंस कौन कौन से बनाने हैं एंड आपको डेटा मेंबर्स कौन कौन से लेने हैं, तो उनकी हेल्प से कहीं ना कहीं आपको ये वाला काम करना है. तो यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला काम कैसे करोगे आप. यहाँ पे आपको बताया गया है दैट यू हैव टू मेक अ क्लास, और उस क्लास का नाम आपको रखना पड़ेगा मैट्रिव. ठीक है, उसके बाद आपको डेटा मेंबर्स वहाँ पे तीन बनाने पड़ेंगे. पहला आपको लेना पड़ेगा ARR, डबल डायमेंशनल एरे, उसके बाद M एंड N. इन वेरिएबल्स का काम क्या है, ARR जो है वो एक डबल डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर आप नंबर्स को स्टोर कराओगे. M और N यहाँ पे आपका रो और कॉलम का साइज़ होगा. ठीक है, तो ये तीन आपको वेरिएबल्स क्लास के जस्ट बाद डिक्लेयर करने होंगे, मतलब ये आपके क्लास वेरिएबल्स होंगे या डेटा मेंबर्स होंगे. इसके बाद आपको बताया गया कि आपको कुछ फंक्शंस भी बनाने होंगे, और उन फंक्शंस के नाम है ये. एक तो आपको बनाना होगा मैट रिवर्स int mm int nn. अब मैट रिव नाम का ही फंक्शन है और इसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं है. आपको दिया भी है कि ये एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, जिसके अंदर दो पैरामीटर्स आ रहे हैं mm और nn. तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इसके अंदर ये भी आपको दिया हुआ है, आपके जो डेटा मेंबर्स हैं m एंड n उनका वैल्यू आपको इनिशियलाइज करना है अकॉर्डिंग टू दीज पैरामीटर्स. आपको दिया भी है कि आपको m इज इक्वल टू mm लिखना है एंड n इज इक्वल टू nn लिखना है इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर. और एक और चीज़ करनी पड़ेगी आपको, दैट यहाँ पे जो आपका एरे होगा उसको भी आप इसी वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर ही इनिशियलाइज़ कर दोगे. इसके बाद आपको एक और फंक्शन बनाना होगा void fill array नाम का. fill array के अंदर आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे एलिमेंट्स को यूज़र से इनपुट करा के अपने एरे के अंदर फिल करना होगा. ये आपको करना है void fill array वाले फंक्शन के अंदर. फिर इसके बाद आपको एक और फंक्शन बनाना है int reverse int x नाम का. इसके अंदर क्या करोगे आप, इसके अंदर आपको नंबर को रिवर्स कराना है. सिंपल आपके पास एक फंक्शन में नंबर आएगा, लाइक 123 आ गया, तो 123 को आपको रिवर्स करना होगा 321 एंड वापस भेज देना होगा. सो इस फंक्शन का काम सिर्फ इतना होगा दैट ये आपका जो नंबर होगा उसको रिवर्स करके वापस भेज देगा. ठीक है, इसके बाद हमें एक और फंक्शन बनाना है void rev mat, एंड इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा जो कि क्लास के टाइप का ही होगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्लास के ऑब्जेक्ट की पासिंग की बात हो रही है. सो यहाँ पे हमें फंक्शन बनाना है rev mat. अब इसी फंक्शन के अंदर आपका जो मेन टास्क होगा मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिवर्स करके नए वाले मैट्रिक्स में भेजने का, तो वो वाला काम आपका होगा इस वाले फंक्शन के अंदर. ये जो void rev mat है इसके अंदर होगा. अब इसके बाद लास्ट फंक्शन हमारा है void show, जिसके अंदर हमें क्या करना है, हमें एलिमेंट्स को यानी कि एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर देना है. अब यहाँ पे 2D array है, तो आपको 2D array के एलिमेंट्स को प्रिंट करना होगा इस फंक्शन के अंदर. उसके बाद दिया हुआ है Define the class matriv giving details of the constructor void fill array int reverse, और उसके बाद void rev mat and void show. Also define the main function to create objects and call the functions accordingly to enable the task. अब यहाँ पे हमें ये सारे functions जो हमसे कहे गए हैं ये हमें बनाने हैं, and इसके बाद हमें main function भी बनाना है, and accordingly इन सारे function की help से हमें इनको call करना होगा बारी बारी, और देखना पड़ेगा हम इनको कैसे call करें कि हमारा जो reverse वाला काम था वो easily हो जाए. तो चलो अभी ब्लूजे ओपन करते हैं, इस प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है ब्लूजे, एंड अभी यहाँ पे मैंने क्लास भी बना लिया है मैट्रिव नाम का. सो इसको ओपन कर लेते हैं अभी.
सो यहाँ पर मैंने मैटर नाम की क्लास बना रखी है एंड ऑलरेडी मैंने इस प्रोग्राम को पहले से टाइप कर दिया है, तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दैट मैंने यहाँ पे किया क्या है। सो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया था दैट हमें मैटर नाम का एक क्लास बनाना है एंड उसके अंदर तीन डेटा मेम्बर्स क्रिएट करने हैं, मतलब क्लास वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, जो कि मैंने यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में ही क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट आप लिखो ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी मैंने लिख दिया यहाँ पे। सो यहाँ पे सबसे पहला हमने वेरिएबल बनाया है इंट arr, मतलब एक डबल डायमेंशनल एरे डिक्लेयर किया मैंने। उसके बाद हमें m और n को भी डिक्लेयर करना था, तो मैंने यहाँ पे इंट m और इंट n को भी डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद हमें बनाना था एक matrev नाम का कंस्ट्रक्टर जो कि पैरामीटराइज होना था। matrev int mm एंड int nn यहाँ पे पैरामीटर्स थे। इसके अंदर हमें क्या करना था, इसके अंदर हमें अपने डेटा मेंबर्स की वैल्यू इन पैरामीटर्स के साथ इनिशियलाइज करनी थी। मींस हमें लिखना था m इज इक्वल टू mm एंड n इज इक्वल टू nn, ये आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। अब इनके साथ साथ आपको ये भी करना था दैट जो आपका यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे है इसको भी आपको इनिशियलाइज करना था। तो आपने यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया था arr नाम से, यहाँ पे आप उसको भी एक एरे के फॉर्म में डिक्लेयर कर दोगे। सो यहाँ पे लिखोगे आप arr इज इक्वल टू न्यू इंट m एंड n, m और n आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे रो और कॉलम के साइज। तो इन रो और कॉलम के साइज पे बेस्ड आपका एक टू डायमेंशनल एरे बन के तैयार हो जाएगा जिसको आप फर्दर यहाँ पे यूज़ करोगे। सो इसके बाद हमें एक फंक्शन बनाना था void fill array नाम का। सो यहाँ मैंने बनाया हुआ है। सो यहाँ पे fill array वाले फंक्शन के अंदर हमें क्या करना था, हमें सारी वैल्यूज़ को अपने एरे के अंदर सेव कराना था। सो यहाँ पे मैंने स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, उसके बाद यूज़र को एक मैसेज दे दिया है दैट एंटर द मैट्रिक्स एलिमेंट्स। देन इसके अंदर हमें क्या करना होगा, इसके अंदर हमें मैट्रिक्स के अंदर यानी कि 2D एरे के अंदर एक एक करके सारे एलिमेंट्स को यूज़र से इनपुट करा के सेव कराते जाना होगा। तो मैंने आपको 2D एरे वाले वीडियो में बताया हुआ है दैट जब भी हम 2D एरे के अंदर इनपुट कराते हैं तो हमें मिनिमम दो एरे की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। एक तो आपका रो के लिए चाहिए होता है, लाइक फॉर आई जो हमारा लूप है पहला वाला वो आपका रोज़ के लिए है, एंड जो जे वाला आपका लूप है वो कॉलम्स के लिए है। तो रो और कॉलम्स के लिए आप एक बार लूप चलाओगे, सो ये लूप आपका चलता जाएगा एंड एक एक करके आपका एलिमेंट वहाँ पे आता जाएगा आई जे के फॉर्म में। सो आप अंदर लिख दोगे एरे यानी कि arr एट आई जे इज इक्वल्स टू, आपका इनपुट कैसे कराओगे आप इन डॉट नेक्स्ट एंट्री से। सो ये सारे एलिमेंट्स रो वाइज एक एक करके इनपुट होते जाएंगे इस एरे के अंदर। देन इसके बाद हमें एक और फंक्शन बनाना था इंट रिवर्स नाम से। सो हमने एक और फंक्शन यहाँ बना लिया इंट रिवर्स एंड उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया इंट एक्स, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। सो इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना था, इस फंक्शन में हमारे पास एक नंबर आएगा पैरामीटर के फॉर्म में एंड उस नंबर को हमें रिवर्स करना है एंड रिवर्स करने के बाद उसको रिटर्न कर देना है। सो यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा नंबर को रिवर्स करने वाला। सो अगर आपको ये नहीं आता तो यहाँ पे आप देख लो। सबसे पहले हम एक खाली वेरिएबल बनाएंगे इंट rev इज इक्वल्स टू जीरो, इसी के अंदर हम अपना रिवर्स नंबर सेव कराते हैं। उसके बाद आपको जो भी नंबर रिवर्स कराना होगा उसके लिए आप लूप चलाते हो वाइल का, वाइल एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन अपने रिवर्स वाले वेरिएबल में आप ऐड कराते जाओगे एक एक डिजिट निकाल के इस एक्स में से। कैसे ऐड कराओगे, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है आर ई वी इज इक्वल्स टू आर ई वी इंटू 10 प्लस एक्स मॉड 10। एक्स मॉड 10 का मतलब आप उस जो पैरामीटर है एक्स उसमें से आप एक एक डिजिट निकालते जा रहे हो एंड उस डिजिट को रिवर्स के अंदर बैक साइड से ऐड करा रहे हो। मींस जैसे कि आपका अगर नंबर है 1 2 3 तो सबसे पहली बार आपका डिजिट क्या आएगा 3, ठीक है, तो उस 3 को आप सबसे शुरुआत में ऐड करा दो। देन अगली बार आपका डिजिट क्या निकल के आएगा 2, उसको आप 3 के बाद यानी 3 इंटू 10 प्लस 2 करा दो तो 30 प्लस 2 32 हो जाएगा। देन उसके बाद आपका डिजिट क्या आएगा 1, तो 1 को ऐड कराने के लिए आप क्या कराओगे 3 2 ऑलरेडी आरईवी में है। सो यहाँ पे क्या होगा 32 मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स 320 प्लस 1, सो फाइनली आरईवी में क्या आ जाएगा 321। तो ये होता है लॉजिक इसको यूज़ करने का। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, मैं इसके ऊपर आपको अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, रिवर्स का लॉजिक लगाया। सो ये करने के बाद में आपके पास फाइनली रिवर्स वेरिएबल में रिवर्स होके आ जाएगा। अब उस रिवर्स को यानी कि आरईवी वाले वेरिएबल को आप जो भी वैल्यू उसमें होगा वो रिटर्न कर दो, तो हम लास्ट में लिख देंगे रिटर्न आरईवी। सो जो भी नंबर आपका आएगा एक्स में लाइक 1 2 3 4 वो उल्टा हो जाएगा 4 3 2 1 एंड रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन से। सो अब इसके बाद हमें बनाना है void revmat नाम का फंक्शन। अभी जो void revmat नाम का फंक्शन है इसके अंदर आपका एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है matrevp। अब यहाँ पे जो आपका आर्ग्यूमेंट है ये किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप का नहीं है, यहाँ पे जो आपका आर्ग्यूमेंट आ रहा है ये खुद में एक क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पैरामीटर्स के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फंक्शन को कैसे बनाएंगे चलो देखते हैं। सो void revmat के अंदर आपको दिख रहा होगा दैट यहाँ पे आपका क्लास का ही वेरिएबल टाइप है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है क्लास का, तो वो आ रहा है एज अ पैरामीटर। तो revmat में आपको करना क्या था, revmat वाले फंक्शन में आपको जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसका एक एक एलिमेंट आपको निकालना है
एंड उसको रिवर्स करके न्यू मैट्रिक्स के अंदर भेज देना है। तो आपको ये करना है वहाँ पे, ठीक है। सो, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हमें 2D मैट्रिक्स के अंदर या 2D एरे के अंदर कोई भी ऑपरेशन करना होगा तो वहाँ पे हमें हर एलिमेंट्स का एक्सेस पाने के लिए हमें दो लूप्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो, हम एक लूप चलाएंगे रोज के लिए एंड एक लूप चलाएंगे कॉलम्स के लिए। तो मैंने आई और जे के यहाँ पे लूप चलाए हुए हैं एंड इसके बाद इन दोनों लूप्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट हमें बारी बारी से मिलता जाएगा, उन पर ऑपरेशंस करेंगे। सो, यहाँ पर हमने क्या ऑपरेशन किया, यहाँ पर हमने लिखा this.arrij मतलब इस समय वाले ऑब्जेक्ट का जो हमारा इंस्टेंस होगा वो दिस कीवर्ड की वजह से यहाँ पे आ जाएगा। सो, हमारा जो करेंट ऑब्जेक्ट होगा उसके arrij में हमने सेव करा दिया रिवर्स ऑफ दैट एरे जो कि हमें मिला है p वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। सो, यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझ लो, दैट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं क्लास की कॉपी होते हैं। सो, जो यहाँ पे p एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है मैट्रिक क्लास का, सो उसके अंदर भी क्लास का एक एरे होगा, ठीक है। सो, एक एरे आपका p वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आया होगा और एक एरे आपका वो होगा जो करेंटली आप जहाँ से कॉल कर रहे होगे इस वाले फंक्शन को। सो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आप इसको क्लियर रखो, दैट यहाँ पे आपके पास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, एक आपका p वाले ऑब्जेक्ट का एरे वो अलग है एंड एक आपका जो इस समय वाला करेंट ऑब्जेक्ट वाला एरे है वो इस समय अलग है। सो, आपको करेंट वाले ऑब्जेक्ट में, करेंट वाले ऑब्जेक्ट के एरे में जो p वाले ऑब्जेक्ट का एरे होगा उसके एलिमेंट को रिवर्स करके सेव कराना है। सो, देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, this.arr@ij मतलब करेंट वाले ऑब्जेक्ट के एरे ij पोजीशन पे हमें सेव कराना है, रिवर्स के लिए हम ऑलरेडी फंक्शन बना चुके हैं तो हम लिखेंगे इक्वल टू रिवर्स, मतलब नंबर हम यहाँ पास करेंगे रिवर्स फंक्शन में और वो नंबर रिवर्स होके इस वाले जगह पे सेव हो जाएगा। अब रिवर्स हमें कौन से वाले एलिमेंट का करना है, जो p ऑब्जेक्ट के एरे में जो एलिमेंट सेव होगा, तो हमने यहाँ पे रिवर्स वाले फंक्शन में पास किया p.arr.ij। सो, जो हमारे p वाले ऑब्जेक्ट के अंदर का एरे होगा उसका ijth एलिमेंट जाएगा रिवर्स वाले फंक्शन में, वो रिवर्स होके आएगा वहाँ से एंड रिवर्स होके वो कहाँ से वो जाएगा, हमारे करंट वाले ऑब्जेक्ट के arr@ij पे। सो, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो, अब इसके बाद हमें एक और फंक्शन बनाना है जो कि होगा प्रिंटिंग के लिए। सो, हमें क्वेश्चन में दिया गया था दैट हमें एक void show नाम का फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हमें क्या करना होगा, एरे को प्रिंट करना होगा। सो, यहाँ पर हमने बना लिया है void show नाम का फंक्शन एंड इसके अंदर हमें एरे की प्रिंटिंग करनी है एंड एरे जो हमारा है वो कैसा है, 2D एरे। सो, मैंने आपको बताया हुआ है दैट जो 2D एरे होता है उसकी प्रिंटिंग के लिए भी आपको दो लूप्स लगेंगे, ठीक है। तो एक लूप आपको रो का चलाना पड़ेगा फॉर आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन m तक एंड एक जे का लूप फॉर कॉलम्स चलाना पड़ेगा जो कि होगा फॉर्म 0 टू n। तो ये दो लूप्स हमने चलाए, देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, जे वाले लूप के अंदर हम एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे system.out.println arr@ij प्लस हर एक एलिमेंट को प्रिंट करने के बाद में आप आगे एक टैब दे दोगे ताकि आपका जो एलिमेंट प्रिंट हो उसके बाद में कुछ स्पेसेस प्रिंट हो जाएं। देन जे वाले लूप के बाद आपको लाइन चेंज करनी होगी, मींस एक लाइन के सारे एलिमेंट्स जब प्रिंट हो जाएंगे तो वहाँ पे आप लाइन चेंज करोगे, देन उसके बाद सो ऑन आपका यहाँ पे प्रिंटिंग होता रहेगा, मींस एक लाइन प्रिंट होगा देन दूसरा लाइन प्रिंट होगा एंड थर्ड लाइन प्रिंट होगा। तो यहाँ पे ऐसे हम प्रिंटिंग कर लेंगे। अब ये करने के बाद में आपका प्रिंट फंक्शन भी बन गया। सो, लास्ट इज आर मेन फंक्शन। सो, मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यूजर से इनपुट कराएंगे। सो, मेन फंक्शन के अंदर भी हमने क्या किया, स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है एंड उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एक्स में इनपुट करा लिए हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वाई वेरिएबल में इनपुट करा लिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा, मीन्स यहाँ पे हमें क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने हैं दो, ठीक है। दो इसलिए बिकॉज एक में आपका ओरिजिनल वाला एरे रहेगा एंड सेकंड वाले ऑब्जेक्ट में आपका जो रिवर्स वाला एरे होगा वो वाला एरे आप इसमें सेव करोगे, ठीक है। तो हमने दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाए, मैट्रिप obj1 इज इक्वल टू न्यू मैट्रिप x, y, मतलब हमने यहाँ पे x, y में हमने रो और कॉलम का नंबर यहाँ पे भेज दिया है। तो कंस्ट्रक्टर जो हमने बनाया था उसकी हेल्प से यहाँ पे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर हम पास कर देंगे x और y। सो, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या तैयार हो गया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा एरे का एक कॉपी तैयार हो जाएगा जो कि एक्स और वाई रो और कॉलम का बन जाएगा। फिर हम बनाएंगे एक सेकेंड ऑब्जेक्ट मैट्रिप obj2 इज इक्वल्स टू न्यू मैट्रिप x, y। अब इससे क्या होगा, इससे आपका एक सेकेंड ऑब्जेक्ट तैयार होगा जिसके अंदर एक और एरे तैयार हो जाएगा जो कि सेम रो और कॉलम के नंबर्स का होगा, ठीक है। जैसे मान लो आपका रो कॉलम अगर 3-3 है तो एक obj1 के अंदर एक एरे होगा एंड obj2 के अंदर एक दूसरा एरे तैयार हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के एरे के अंदर इनपुट कराना है, तो हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करेंगे फिल एरे वाले फंक्शन को। सो, वी विल कॉल obj1.fillArray। सो, जो obj1 वाला एरे होगा उसके अंदर वाले एरे में सारी वैल्यूज इनपुट हो जाएंगी फिल एरे फंक्शन की हेल्प से। सो, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट 2 की हेल्प से कॉल करेंगे रेव मैट फंक्शन को।
रिव मैट में हम क्या पास करेंगे, अपना फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट यानी कि ओबीजे वन। सो ओबीजे वन में जो आपका ओरिजिनल एरे है वो एज पैरामीटर जा रहा है किसके अंदर, फंक्शन के अंदर, रिव मैट फंक्शन के अंदर। एंड वहाँ से आपने याद होगा वहाँ पे हमने यूज़ किया था दिस डॉट ए आर आर। सो वो दिस किसके लिए था, वो आपके करेंट ऑब्जेक्ट यानी कि ओबीजे टू के लिए था। मीन्स ओबीजे वन वाले एरे की वैल्यूज रिवर्स होके सेव हो जाएंगी किसके अंदर, ओबीजे टू वाले एरे के अंदर। ठीक है, तो आपके दो एरे तैयार हो गए, एक आपका इनपुट वाला एरे जो कि ओबीजे वन में है, एंड जो आपका रिवर्स वाला एरे होगा वो किसमें होगा, ओबीजे टू में। देन फाइनली आपको क्या करना है, आपको दोनों एरेज को प्रिंट कर देना है। सो आप लिखोगे यहाँ पे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन ओरिजिनल मैट्रिक्स देन ओबीजे वन डॉट शो। शो आपका फंक्शन है, तो ओबीजे वन डॉट शो जब आप करोगे तो ओबीजे वन वाला एरे प्रिंट होगा। एंड नेक्स्ट लाइन पे मैट्रिक्स विद रिवर्स एलिमेंट्स, सो ओबीजे टू डॉट शो जब आप करोगे तो आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो ये तो हो गया हाँ प्रोग्राम, चलो अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। सो यहाँ हमने कंपाइल किया, कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। चलो अभी इसको रन करते हैं। सो यहाँ पे हमने रन किया इसको, सो ये ओपन होके आ गया हमारा टर्मिनल विंडो। सो जो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ था क्वेश्चन में हम उसी को यूज़ करते हैं। सो वहाँ पे हमें 3x3 का एरे लेना था, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ रो भी 3 देते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 देते हैं। सो इससे हमारा एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब मैट्रिक्स के अंदर वही एलिमेंट्स दे के देखते हैं जो एग्जाम्पल में थे। सो यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट 72, देन 371, देन 5, देन 12, देन 6, देन 426, देन 5, देन 123, देन 94। सो ये सारे हो गए एलिमेंट्स, अब एंटर करके देखते हैं। सो यहाँ पे देखो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स जो था वो भी प्रिंट होके आ गया है एज इट इज़, जो आपने वैल्यूज़ दी हैं वो मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट हो गई हैं। एंड सेकेंडली जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था वो रिवर्स होके सेव हो गया एक सेकेंड मैट्रिक्स में, मतलब सेकेंड ऑब्जेक्ट के मैट्रिक्स में, और वो रिवर्स वाला मैट्रिक्स भी देखो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है। सो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे सही से वर्क कर रहा है, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे समझ में आया होगा।